दोस्तों जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको हो सकती है ऐसी कुछ समस्याएं। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। अक्सर लोग अलग अलग कारणों से शाकाहारी होते हैं। कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण होते हैं तो कुछ लोग अपने मोटापा या एक डाइट प्लान के कारण अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीगन एक हेल्थ डाइट है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। शाकाहार में जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन को जाता है, इसमें सिर्फ प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन को शामिल किया जाता है। इसमें शरीर के लिए फायदेमंद कई और तरह के पोषक तत्व होते हैं। हालांकि इसमें मौजूद लेक्टिन और फाइटेट्स नाम के तत्व आंतों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। वीगन डाइट को प्रोटीन का स्थायी स्रोत नहीं माना जाता है। वीगन डाइट फॉलो करने वालों के लिए टोफू या सोया मिल्क जैसी चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि सोया में फाइटोएस्ट्रोजेंस नाम का तत्व होता है जो शरीर में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। मेनोपॉज की समस्याओं में महिलाओं को इसे सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है, लेकिन ये शरीर में हार्मोन्स को असंतुलित करने की समस्या भी पैदा कर सकता है। रेड मीट को हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जबकि वीगन डाइट में इसके लिए बेहद कम विकल्प उपलब्ध है। हीमो आयरन न मिलने की वजह से शरीर में बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसकी वजह से भारतीय महिलाओं में एनीमिया की काफ़ी शिकायत मिलती है। वीगन और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वालों को ऐसी दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। वीगन डाइट में जानवरों से मिलने वाले चीज़ों को पूरी तरह से हटा देने से शरीर में बहुत कमियाँ हो सकती हैं। आपके शरीर में कैल्शियम, ओमेगा 3 जैसे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। डेयरी प्रोडक्ट हैं, बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड में कमी होने से डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। शरीर के लिए ज़रूरी है विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत मांसाहार ही हैं। वीगन डाइट फॉलो करने वालों के लिए B12 की कमी अक्सर देखने को मिलती है। विटामिन B12 की कमी से कमजोरी, थकान, एनीमिया या भूख ना लगने जैसी समस्याएँ हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि वीगन डाइट ईटिंग डिसऑर्डर का कारण भी बन सकता है। इससे इंसान को आर्थोरेक्सिया नाम की बीमारी हो सकती है, जो आपके खाने की आदतों को बांधकर रखती है। इसका सेहत पर काफ़ी बुरा असर होता है।